Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभातम बच्चों, ये हम लोगों की संस्कृत की क्लास है। बच्चों, नौवां पाठ है, पाठ नौ, शरीरस अंगानी, ठीक, शरीर के अंग, ठीक। तो बच्चों, हमारे हम लोगों का लेसन कौन सा है? पाठ नौ, नाइन चैप्टर है, शरीरस अंगानी, शरीर के अंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं और उनको किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से बोलते हैं कि हमारे शरीर का एक अंग है, ठीक। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक। बच्चों, आप लोग अपनी बुक में भी देखेंगे तो क्या है कि एक बच्चे की बॉडी, शरीर बना हुआ है, उसमें से लाइन के माध्यम से हर अंग को बताया गया है और उनके नामों को संस्कृत में लिखा हुआ है, उनके नाम, उसके नाम को संस्कृत में लिखा हुआ है और नीचे क्या है, उसकी वर्ड मीनिंग शब्दार्थ है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी बुक में चित्र बना हुआ है बच्चों, उसमें से हम देखेंगे ध्यान से कि किस पार्ट को हम किस नाम से बुलाते हैं। अभी तक तो हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में समझते थे, ठीक, लेकिन अब क्या है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आंख को हिंदी में आंख कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईज। लेकिन अब क्या होगा कि हम संस्कृत में भी पढ़ेंगे कि संस्कृत में हम आंख को क्या कहते हैं, ठीक। जैसे संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, नैनम, ठीक। तो इसलिए आप बच्चों अपनी बुक में देखेंगे तो पूरे पार्ट का, जिस पार्ट को हम जिस नाम से बुलाते हैं हिंदी में, उसी की संस्कृत लिखी हुई है। अब हम ध्यान से इस चित्र को देखेंगे कि हमारे किस नाम को किस नाम से, किस अंग को किस नाम से बुलाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, इसको समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, अपनी वर्ड मीनिंग। आप लोग देखेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, शब्दार्थ। संस्कृत शब्द हमारा क्या है, शब्दार्थ है, और उसकी हिंदी क्या होगी, वर्ड और मीनिंग। वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, शब्द, और मीनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ। तो सबसे पहले बच्चों, हम क्या करेंगे, संस्कृत शब्द को पढ़ेंगे, हम देखेंगे किस पार्ट में, हमारे शरीर में किसको संस्कृत में क्या कहते हैं, और उसके बाद हम लोग उसकी क्या करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको कॉपी में साफ और स्पष्ट लिखेंगे, ठीक। और आप लोग वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारे अंग को संस्कृत में क्या कहते हैं और उसकी हिंदी क्या होती है। हिंदी में तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, लेकिन संस्कृत में तो पता नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपने शरीर के अंग को संस्कृत में भी पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम लोग वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करेंगे, शब्द और अर्थ को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों, सिरा। सिरा की हिंदी क्या होगी, सिर होगी, ठीक। उसके बाद क्या है बच्चों, केसर। केसर की हिंदी क्या होगी, बाल होगी। बाल तो आप लोगों को बच्चों पता होगा, जब आप स्नान करते हैं तो कंघी और चीचे के माध्यम से क्या करते हैं, अपने बाल को सही करते हैं, ठीक। कुछ लड़कियां लंबे बाल भी रखती हैं, बच्चे छोटे छोटे बाल रखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, ध्रुव। ध्रुव का अर्थ क्या होगा बच्चों, भौं, ठीक। भौं आंख के ऊपर भौं होती है, ठीक, आप लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, कर्णम। कर्णम की हिंदी क्या होगी, कान। कान बच्चों हमारे लिए, हमारे शरीर का बहुत ही उपयोगी अंग है, क्योंकि कान के माध्यम से ही हम सब कुछ सुन सकते हैं, ठीक। कोई व्यक्ति हमें बुला रहा है, अगर कान है तभी तो हम सुन सकते हैं कि हमारा फ्रेंड, हमारे रिलेशन के लोग हमें बुला रहे हैं। उसके बाद बच्चों, हम किसी भी भजन को सुनते हैं, कीर्तन को सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो किसके माध्यम से सुनते हैं, गाने के, कान के माध्यम से सुनते हैं। अगर कान ना होता तो व्यक्ति क्या करता, क्या हम स्कूल आके पढ़ सकते थे, नहीं, ठीक। उसके लिए हमें क्या होगा, जिसके पास कान नहीं होता बच्चों, उनके लिए क्या होता है कि एक अलग से स्कूल होता है, वे लोग अलग से स्कूल में वे सांकेतिक भाषा से अपने भाव विचारों को बताते हैं और समझाते हैं, ठीक। लेकिन जिसके पास कान है वो व्यक्ति क्या हर जगह आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आपको सुनाई नहीं पड़ता बच्चों तो क्या होगा कि हम एक स्थान पे रहेंगे, तभी लगेगा कि हम सुरक्षित हैं। तो कान बच्चों हमारे शरीर का बहुत ही उपयोगी अंग है। उसके बाद क्या है, ललाट। ललाट का अर्थ क्या होता है बच्चों, माथा। इसे मस्तक भी कहते हैं, ठीक। स्नान के बाद जब पूजन बंदन करते हैं तो तिलक कहाँ पे लगाते हैं, तो अपने मस्तक पे लगाते हैं। उसके बाद है बच्चों नैनम। नैनम का अर्थ क्या होता है,
होगा बच्चों? आँख। आँख भी हमारे शरीर का बहुत ही उपयोगी अंग है, क्योंकि आँख के ही माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारी दुनिया कितनी रंग बिरंगी है। ठीक, अगर आँख न होती तो क्या हम अपनी इस प्रकृति को इतने करीब से देख सकते थे? नहीं देख सकते। आँख के ही माध्यम से हम देख सकते हैं कि भगवान ने प्रकृति में कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को बनाया है और कितनी अच्छे से अपने प्रकृति को, हमारी प्रकृति को बनाया है। अगर हमारे पास आँख न होती तो हम कभी अपने प्रकृति को क्या इतने करीब से देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। हम ना तो कहीं आ सकते थे, ना किसी मदद के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा सकते थे। लेकिन हमारे पास आंखें हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। अनेक मनोरंजन के साधन, कंप्यूटर है, मोबाइल है और मूवीज है, कुछ भी चीजें हम क्या करते हैं, आंख के ही माध्यम से देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आंख हमारे लिए बच्चों बहुत उपयोगी है और इसको बहुत ही सेफ और सेफ्टी रखना चाहिए। ठीक, नासिका। नासिका का अर्थ क्या होता है बच्चों? नाक। नाक के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, हर एक चीज की, हर एक वस्तु की खुशबू महसूस, इसमें महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी फूल की महक आई हम तुरंत समझ जाते हैं, यह रोज की महक है, ये गुलाब की महक है, मेरी गोल्ड की महक है, तो हम किससे, स्मेल से ही समझ सकते हैं कि किस फ्लावर की ये महक है। जैसे ही आपके पास कोई बगल से फूल आता है तो आप तुरंत समझ जाते हैं तो रोज की स्मेल आ रही है मेरे पास। ठीक, तो नाक के ही माध्यम से अगर आप घर पे हैं, मम्मी कुछ अच्छा बना रही हैं, आप तुरंत स्मेल से समझ जाएंगे कि मम्मी कुछ बना रही हैं, पकौड़े तल रही हैं, अच्छी चीजें हमारे लिए बना रही हैं। तो नाक के ही माध्यम से हम स्मेल से ही पहचान सकते हैं कि क्या है। तो संस्कृत शब्द हमारा क्या है बच्चों? नासिका। उसकी हिंदी क्या होगी बच्चों? नाक होगी। अब बच्चों क्या है पक्षम? पक्षम का अर्थ होता है बच्चों पलक। पलक क्या होता है कि जो पलक के ही माध्यम से हमारी आंख सुरक्षित रहती है। जैसे ही कहीं तेज हवा चलती है, डस्ट से और छोटे मोटे कीटाणुओं से हमारी पलक क्या करती है, हमारे आंख को सुरक्षित रखती है। जैसे ही कोई डस्ट या कुछ हमारी आंख के समीप जाता है, पलक क्या होती है, तुरंत गिर जाती है और हमारे आंख को सुरक्षित रखती है। दंदा। दंदा का अर्थ क्या होता है बच्चों? दांत। ठीक, दांत के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को खाते हैं। ठीक, अगर जिसके पास दांत नहीं हो क्या ठोस चीजों को खा सकते हैं? नहीं। इसलिए छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, अपने दांत को स्वस्थ सुरक्षित रखें। सुबह शाम कम से कम दो बार ब्रश जरूर करें, क्योंकि अगर आप दो बार ब्रश नहीं करेंगे तो आपके दांतों में खाद्य सामग्रियां रुकी रहती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दांत धीरे धीरे कीटाणु, दांत में कीटाणु हो जाते हैं और हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। ओष्ठ। ओष्ठ का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऊपर का होंठ। ठीक, हमारे होंठ दो होते हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। तो ओष्ठ का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऊपर का होंठ। अधरा का अर्थ होता है नीचे का होंठ। ग्रीवा का अर्थ क्या है बच्चों? गर्दन। चिहुकम का अर्थ है ठोड़ी। ठोड़ी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो कि अधर के होंठ के नीचे होती है ठोड़ी। उसके बाद ये स्कंदर। स्कंदर का अर्थ क्या होता है बच्चों? कंधा। ठीक, कंधा भी हमारे शरीर का बहुत ही उपयोगी है ना, क्योंकि कंधे के ही माध्यम से हम वजन सामान को उठाते हैं। ठीक, तो बच्चों क्या है, हम लोगों का संस्कृत शब्द है, ये हमारा हिंदी शब्द है बच्चों। आप लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। आगे की वर्ड मीनिंग को बच्चों हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक आप लोग वर्ड मीनिंग को लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू क्लास।